एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि वह 31 दिसंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे और वर्षों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए इसे जनवरी में लॉन्च करेंगे। उन्होंने यह घोषणा अपने मंच रजनी मक्कल मंद्रम के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मुलाकात के एक दिन पहले की है। उन्होंने कहा कि यह चुनावी राजनीति से जुड़ी अपनी योजनाओं की जल्द घोषणा करेंगे। रजनीकांत ने कहा कि चुनाव के बाद वह ऐसी सरकार बनाएंगे जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि वह अपनी सरकार बनाकर राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगे। उनकी सरकार सबकी बेहतरी के लिए काम करेगी। रजनीकांत ने कहा कि वह जो वादे करते हैं उससे कभी भी नहीं मुकरते। राज्य में राजनीतिक बदलाव जरूरी है, यह वक्त की मांग है। अगर यह अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस बदलाव के लिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह मेरे साथ आए, हम मिलकर राज्य की राजनीति को बदल कर रख देंगे। वही सोमवार को अपनी पार्टी के अधिकारियों से अहम बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक में जिला सचिवों के साथ उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया। आगे बोलते हुए रजनीकांत ने कहा कि पार्टी नेताओं ने उनका साथ दिया है और वह कोई भी फैसला लेते हैं तो सभी पार्टी नेता उनका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में एंट्री लेने के लिए वो जल्द ही ऐलान करेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी तमिलनाडु का दौरा किया था। उसके बाद वहां की राजनीति में चुनाव को लेकर सभी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। ऐसे में अब रजनीकांत का पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान इस बात की गवाही है कि चुनावी जंग के मैदान में अब उन्होंने उतरने का मन बना लिया है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे, ऐसे में रजनीकांत की पार्टी में एंट्री को लेकर संशय लगभग खत्म हो गया है।